तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है आप सभी का? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। टाइम हो चुका है सुबह के 10:30, थोड़ा वो लेट हो चुका हूँ। आज मंडे था ना, फिर मैं भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए चला गया। और आज आपको बताना अपना इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि मेरे को ना आने वाले 3-4 दिन में निकलना है यार। आपको पता ही है ना, अपनी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है भाई साहब। मुबारक हो आप, क्या बोलते हैं, बधाई हो आप सभी को। हम सभी साथ में ही करने वाले हैं। तो अब भी का काम बता के आपको बताना, 10 दिन पहले मैंने फाइल जमा करवाई थी RTO ऑफिस, तो उन्होंने बोला 10 दिन के बाद आना। आज 11 दिन हो चुके हैं। बट डाउट पता क्या हो रहा है, उन्होंने ना उस टाइम पैसे फीस होती है ना रजिस्ट्रेशन फी, वो जमा नहीं करी थी। तो अभी वही डाउट हो रहा है कि आज नंबर लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि बैंक वालों ने मेरे पास ऑलरेडी घर पर नोटिस भेजा हुआ है, आपने देखा होगा। तो वही मेरे को टेंशन हो जा रही है, हर महीने 2500 रुपया कटवाना पड़ेगा। एनीवे ठीक है, आज का दिन शुरू करते हैं। लेकिन कान्हा जी का नाम जय हो कान्हा जी की। डे बाई डे देखो भाई, कड़कती धूप पड़ रही है, अभी निकलना ही पड़ेगा सर्दी वाले एरियाज में, है ना। चलते हैं। और आज मेरे को आपको पूरा हिसाब भी देना है, मतलब थोड़ा बहुत डाउट था वो सारा क्लियर भी करना है, क्योंकि भाई पैसे आपके आखिरकार यार। परफेक्ट टाइमिंग भाई, मेरी गाड़ी ना बिल्कुल पवित्र कर दी है गाय माता ने ऊपर पी करके। सही है, पूरी पवित्र हो गई अभी। अरे छोटे उठ भाई, मेरे को गाड़ी निकालनी है। चल उठ, बड़ा बेशर्म है यार। चल उठ जा छोटू, उठ जा उठ जा। सॉरी डिस्टर्ब करना पड़ा इन्हें। चलो, तो जैसे दोस्तों आपको बताया, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और धूल मिट्टी से ना हमारे फेस की बाट लगना तो लाजमी है। बट इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ मामात का उपटन फेशियल किट विद टर्मरिक एंड सैफरॉन फॉर ग्लोइंग स्किन। इसे कैसे यूज करना और क्या क्या इसके फायदे होने वाले हैं, चलिए बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों मामात का उपटन फेशियल किट यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको 6 छोटी सी ट्यूब मिलती है, जिन्हें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होता है। और सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं उपटन क्लींसिंग मिल्क फॉर जेंटल क्लीन करने के लिए, उसके बाद फेस स्क्रब फॉर टैन रिमूवल के लिए, उसके बाद सूथिंग जेल फॉर डीप हाइड्रेशन के लिए, 200 उपटन मसाज क्रीम, फेस मास्क एंड ग्लो क्रीम फॉर स्किन ब्राइटनेस। दोस्तों मामार्थ का ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने के साथ मेड सेफ एंड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। और दोस्तों मामार्थ के सारे प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल होने के साथ प्लास्टिक पॉजिटिव और अपना इंडियन ब्रांड है। और दोस्तों मामार्थ के सारे प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, मामार्थ के ऑफिशियल ऐप एंड मामार्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए, आपको मेरा कूपन कोड AKR2023 यूज करना पड़ेगा, जी वैलिड रहेगा ओनली मामार्थ के ऑफिशियल ऐप एंड मामार्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मामार्थ के सारे प्रोडक्ट अभी आपके नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाएंगे। तो शायद आपको ना बताओ, जब भी आप मामार्थ का कोई प्रोडक्ट लेते हो, मामार्थ उससे लिंक कर देता है एक ट्री के साथ, मतलब इसके बदले में एक ट्री लगा देता है। और इनका एम है 2025 तक 12 मिलियन ट्री लगाने का। मामार्थ के इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पिन में मिल जाएगा। भाई आपका ना RTO ऑफिस तो पहुंच चुका है, मैंने सोचा डायरेक्ट आपको ना गुड न्यूज दूंगा, बट यहाँ आके पॉपर्ट हो चुका है। 10 दिन पहले मैंने फाइल जमा करवाई थी ना, मतलब आज उसकी फीस भरनी है और 3-4 दिन के बाद नंबर लगना है। यार कैसी दुनिया है ये वाली, मतलब 10 दिन ओनली इन्होंने फाइल रखी यहाँ पे। यार क्या है आजकल, क्या हो रहा है हमारे देश को, इतना इंटरनेट आने के बाद भी पीछे चला जा रहा है। और सेकंड न्यूज पता क्या है, 3 ATM लेके आना पड़ता है यहाँ पे अगर आपको पेमेंट करनी है। जैसे मेरा 1,40,000, तो आपको पता है 2 ATM तो चाहिए, एक ATM की लिमिट 1,00,000 रुपये शायद होती होगी या नहीं, बट उन्होंने बोला अगर आपके पास 3 ATM है तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ट्रांसफर करवा के उसकी रिसिप्ट लेके आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। ये चेक करेंगे, अगर आए होंगे इनके अकाउंट में तब जाके नंबर लगेगा, वो भी 5 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद, अगर बीच में ट्यूसडे एंड वेडनेसडे नहीं आया तो। इतना आसान नहीं है यार, कहाँ फंस गया, इतनी ज्यादा धूप है ऊपर से, बट क्या करूं एनीवे, क्योंकि बैंक वाले अभी भी कॉल करे जा रहे हैं माँ कसम। उन्होंने बोला जल्दी से कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हम आ रहे हैं फोटो क्लिक करने के लिए गाड़ी का कुछ। दोस्तों कुछ ऐसा है, 2 बार मैंने सुबह से लखनपुर के चक्कर लगा दिए हैं और अभी मेरे से जितना हो सकता था ना, मैंने ऑलमोस्ट 70,000 रुपये जुगाड़ कर लिया कैश का, बट अभी 80,000 रुपया बचा हुआ है। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रही, बट अभी मेरे यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, आपको याद होगा यहाँ पे ना एक अपने पुलिस वाले सब्सक्राइबर भैया भी थे जो फर्स्ट टाइम हमें मिले थे, जो बोल रहे थे VIP नंबर आने वाले हैं तो आप नंबर बाद में लगवाना। तो अभी मैंने उनको कॉल करा है कि भाई किसी तरह ना, मतलब आपको मैं गूगल पे कर दूंगा, आप ATM मतलब एक बार वहां पे स्वाइप कर दो, मेरा काम हो जाएगा। मतलब RTO वाले आपको बताया ना, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ATM एक्सेप्ट करते हैं, कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मैंने यहाँ पे जमा भी करवा दिया, रिसिप्ट अपने पास रखी हुई है। अरे यार ठीक है,
वही जाके मिलता हूँ, वो वेट कर रहे हैं अभी। देखो यार सब्सक्राइबर अपने कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं ना मेरी, भाई मर गया आज मैं पूरी तरह धूप में यार, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना गाड़ी के अंदर, हे भगवान। आखिरकार दोस्तों पूरे 4 घंटे के बाद हमें वो डॉक्यूमेंट मिल चुका है जो मेरे को चाहिए। वैसे ये चाहिए नहीं था मेरे को, आज नंबर लगा हुआ चाहिए था, बट शुक्र है यही मिल गया। अब बैंक वाले कम से कम मतलब वो तो सॉरी यार बैंक वाले तो खुद आ रहे हैं, अगर वो कॉल करते ना ये रिसिप्ट उन्हें दिखानी थी कि फीस कट चुकी है, बट वो पर्सनली यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इवन कि मेरे को फिर से लखनपुर जाना पड़ेगा तीसरी बार, और सुबह 10 बजे आया था, टाइम हो चुका है दोपहर के 2, और ये सारा काम हुआ है अपने भाई जी की तरफ से। मतलब अगर भाई जी नहीं आते ना तो ये काम आज भी पेंडिंग रह जाता, और इन्होंने मेरे को टाइम फिर से लिख के दे दिया कि 1 हफ्ते के बाद आना है। तभी मैंने जितने भी नंबर थे ना भाई जी लास्ट टाइम यहीं पे मिले थे मेरे को, फिर से भाई जी को कॉल करा, और मेरी किस्मत देखो भाई जी पीछे साइड आ रहे थे उस टाइम है ना। अभी ड्यूटी पे हो भैया? अभी भाई जी ड्यूटी पे है। तो ठीक है भैया, तहे दिल से शुक्रिया, भगवान ने स्पेशल आपको मेरे लिए भेजा है। ठीक है उस चाय शाय भैया जा रहे हो फिर? हाँ जी फिर मिलेंगे सर। ओके सर। तो ठीक है दोस्तों अभी निकलते हैं, एंड अभी मेरे को लखनपुर जाना है भाई फोटो क्लिक करवाने के लिए गाड़ी वालों का, उन्होंने सोचा कि गाड़ी बिक चुकी है। एंड सच में यार ये भाई लास्ट टाइम भी मेरे लिए भगवान बन के आए थे, इस टाइम भी लास्ट टाइम इन्होंने बोला था कि VIP नंबर लगवाएंगे और जो मेरे पास पैसे थे वो खर्च हो गए, एंड इस बार सच्ची भगवान का रूप बन के आए हैं। अगर ये नहीं होते ना इनके पैसे इनके अकाउंट में पैसे सेंड करे, भाई सेंड ही नहीं हो रहे थे। देखो किस्मत इतनी खराब है, SBI का अभी सर्वर डाउन आ रहा था, फिर 15-20 मिनट मैंने सोचा चलो एक बार ठंडी सांस लेते हैं, मतलब फिर काम हो गया यार, कान्हा जी का नाम लिया। फाइनली निकलते हैं अभी फोटो क्लिक करवाते हैं, घर जाके मिलता हूँ, माँ कसम बुरी हालत है सच्ची यार, बिलीव करो। तो भाई साहब सुबह से ना जी मेरा चौथा वाला चक्कर है लखनपुर है, घर से मैं सोच के आया था जाऊँगा फीस कटवाऊंगा मैं इसे वापस आ जाऊँगा, सुबह से 5 घंटे हो चुके हैं और लखनपुर मेरे चौथा चक्कर है। और सामने आपको दिख रहा है ना जे भाई अपना पंजाब और जम्मू कश्मीर का लास्ट बॉर्डर है, उसके पार पंजाब है, इधर है जम्मू कश्मीर, टोल टैक्स तो आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी ना बैंक वालों ने मेरे को कॉल करा है, वो अभी निकले हैं पठानकोट से, और मुझे लग रहा है 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि पठानकोट वाली साइड ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, अपने जम्मू वाली साइड तो ट्रैफिक है ही नहीं है बिल्कुल। देखो यार बिल्कुल खाली रोड है, और यहाँ पे लगाई है मैंने शाया में गाड़ी, नहीं तो भाई गाड़ी इतनी हीट लेती है ना ब्लैक वाली, ऐसा लगता है किसी चैम्बर में बैठ गया भाई। ओ क्या करूं यार थक गया हूं सुबह से सच्ची, अभी ठंडा पानी पी रहा हूं, इसमें बर्फ़ जमी हुई है, वेट कर रहा हूं बर्फ़ पिघलेगी फिर जाके पीऊँगा, समझ ही नहीं आ रही यार। और एक मन कर रहा है कि पंजाब वाली साइड से चक्कर लगा के आऊं। अंकुश भाई घर पहुंच चुके हैं, अभी मैंने मस्त वाली नींद ली, आपको बताया ना पूरा दिन आज RTO ऑफिस निकल गया, इतनी ज़्यादा धूप थी, और घर आया फिर मैं मज़े से सोया। एक तो मेरे को धीमे धीमे बोलना है, मैं पीछे वाले सारे सीन देखे इतनी तेज़ बोल रहा हूँ ना, मेरे को खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी ना जे वाली बाइक मुझे अपने साथ लेके जाना है, तो उसकी मैंने चेक कर ली है, सर्विस होने वाली है, 700 किलोमीटर चलेगा उसके बाद सर्विस होगी। मतलब आपको बताना निकलने वाला हूँ 3-4 दिन के बाद, उसके बाद पता नहीं कितने महीनों के बाद मैं घर वापस आऊँगा। तो ठीक है अभी टाइम हो चुका है शाम की वाइफ इंजॉय करने का, अभी घर पे कोई भी नहीं है, मामी और मामा गया जोई काटने के लिए, और इनको सभी को मैंने घास डाल दिया है, बस इसको डालना है, वो अंशु लेके आ रहा है नया वाला घास, और बकरी मैंने इधर बांध दिया है। और आपको बताया ना 3-4 दिन मैंने पहले बोला था कि मंकी सारे के सारे भाग गए हैं, भाई वो वापस आ चुके हैं, और उनकी इस बार जनसंख्या ट्रिपल हो चुकी है, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे बट पत्तों से ज़्यादा मंकीज है वहाँ पे। और 2 दिन पहले आपको याद होगा मैंने बोला था ना जितने टाइम मैं घर पे हूँ ना, मतलब कोई जितने भी काम पेंडिंग है ना वो सारे हम कर लेंगे, उनमें से एक काम था घर वाले खाना बनाते हैं ना टीना के अंदर, और डे बाय डे आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनके लिए ना एक छोटी सी जुग्गी टाइप ना बाहर बना देंगे, वहाँ पे वो मस्त से खाना बना लेंगे सुबह वाला। तो खाना बनाने मतलब जुग्गी बनाने के लिए सॉरी खाना बनाने के लिए तो आटा चावल चाहिए, जुग्गी बनाने के लिए पता क्या चाहिए, ये पत्ते वाला आपको दिख रही है ना लंबी लंबी झाड़ियाँ, ये सारी की सारी ना मैं सुबह काटूंगा, और कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा कि हम जुग्गी बना के रेडी कर देंगे, नेक्स्ट वाला ब्लॉग पक्का देखना है। ठीक है जुग्गी कैसे बनाते हैं घर पे, छोटी सी होगी मतलब बारिश से प्रोटेक्ट तो नहीं करेगी, बट इतना है कि धूप से जो गर्मी पैदा होगी ना धुआं होगा वो सारा उससे मैं से बाहर निकल जाएगा, वही बनाने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी ना दोस्तों ये बकरी का बच्चा पता क्यों चिल्ला रहा है, मेरे ना सारे फूल खा देता है, मैंने अभी इसकी पिटाई करी है और बांध दिया इसको, नहीं तो ये सारे फूल खत्म कर देगा। और पीछे दिख रहा है मंकी की फौज वापस आ चुकी है,
अगर मैं यहाँ पे नहीं होता ना तो अभी तक सारा घास खा देते। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है आपको पूरा हिसाब देने का, आपके पैसे हैं भाई, आपको हिसाब देना तो बनता है। एंड लास्ट टाइम मैं थोड़ा नर्वस भी हो सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है 3-4 मिनट की, और इसमें मैं आपको पूरा हिसाब दे दूंगा क्योंकि मेरे को प्यास भी लगी है, कंटिन्यू बोलना भी है 3-4 मिनट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको हिसाब देता हूँ। लंबी सांस ले ले यार पहले अंकुश, तो मैं थक के जा रहा हूँ, पहले ही बताने से पहले नर्वस हो जा रहा हूँ। एक तो पीछे चिड़िया गाने गाई जा रही है, ऐसा ऐसा बोलना है नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों जैसे आपको बताया लास्ट वाला वीडियो मेरा थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि थोड़ा ना मेरे को गुस्सा आ गया। मैं जैसे आपको बताया इतनी मेहनत से उनके बच्चों के लिए मतलब सारा राशन वोशन हमने इकट्ठा करा था, काफ़ी सारे गिफ्ट भी थे, बट हमें क्या पता इतने सारे लोगों ने उनकी पहले भी हेल्प कर दी है। तो जैसे हम राशन जो भी लेके गए थे गाड़ी से उतारा, वो वैसा का वैसा ही रहा भाई, कोई ये टेंशन नहीं दी उन्होंने कि राशन पानी लेके आया है। उनकी भी क्या गलती है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा हेल्प कर दिया ना राशन पानी की। सुनने में आया कि कम से कम उन्होंने एक ट्रक राशन भर के बाज़ार में बेच दिया है। क्या करते वो इतना राशन, क्योंकि लोगों ने राशन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है उनकी, इतना ज़्यादा राशन उन्हें बेच दिया है। और सच बताना किस किस मतलब मेरे को जितना यकीन है मैं आपको बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने हेल्प करी है ना दादी माँ की, उन 99.9% लोगों के अकाउंट में अभी 2 लाख रुपया 3 लाख हार्डली होगा मतलब जितना मुझे लग रहा है, और दादी माँ के अकाउंट में अभी 20 लाख रुपया है भाई, वो आपसे अमीर है अभी, वो सब आपकी आप ही की दिया है जिन लोगों ने मतलब उनकी हेल्प करी है। तो चलो मैं अभी आपको पूरा हिसाब दे देता हूँ। टोटल पैसे हुए थे मुझे अभी याद नहीं है, बल इतना बताया कि 1,60,000 से लेके 1,75,000 के बीच में हुए होंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पहले ही टोटल पैसे थे जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरे को नंबर लगवाने के लिए चाहिए किसी से उधारे लिए फिर मैंने बाद में, तो टोटल मेरे अकाउंट में थे 1,42,000 रुपया, जो कि 2,000 रुपया अभी मेरे अकाउंट में है और नंबर हमने कल लगवा लिया 1,39,000 का, मतलब 2,500 रुपया मेरे अकाउंट में होना चाहिए, और अभी मेरे अकाउंट में है 13,500-14,000 रुपया कुछ ऐसा होगा अकाउंट में, क्यों है जब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मान के चलो कि 15-20,000 का सामान आया होगा, छोटा मोटा सामान काफ़ी ज़्यादा होता है यार, तो मान के चलो इतने पैसे तो आए होंगे क्योंकि काफ़ी हम बारीकी वाली चीज़ें लेके गए थे, इवन कि बल्ब तार लेके गए थे, एक्सटेंशन बोर्ड लेके गए थे कि उनके घर में लाइट शाइट नहीं होगी वो भी फिट करके देंगे, तो मान के चलो कि इतना खर्च तो हुआ होगा। और 3700 का हमने तेल डलवाया था क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है भाई और 8 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करी है, तो तेल इतना मेरे ख्याल से लग गया होगा, बाकी पता नहीं, बाकी चलो वो छोड़ो। और टोटल आपको बताया ना पहले जब मैं RTO ऑफिस गया था मैंने कैश निकाल लिया था उस टाइम 50-60,000 रुपया, कि एक दिन में 1,00,000 रुपया लिमिट है और मेरे को RTO ऑफिस देना है कम से कम 1,40,000 रुपया, एक दिन में नहीं होगा, तो वो भी मैं कैश अपने साथ लेके गया था। तो मान के चलो कि 20,000 हो गया सामान का, 5,000 हो गया 25, बाकी हमने उनको कैश दे दिया जो था, बट उन्होंने जो गूगल पे वाले पैसे थे ना मेरे अकाउंट में 1,10,000 रुपया, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि कोई संस्था उनका सारा संभाल रही है। और आपको पता है जैसे उनके बेटी के नाम पे, छोटी बच्ची के नाम पे 6,000 रुपया उनकी FD हो चुकी है, इवन कि उनको गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में 10th तक फ्री एजुकेशन मिलेगी, और थैंक्स उन प्रिंसिपल जी का, ऐसे प्रिंसिपल बड़े कम मिलते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और घर भी उनका बन रहा है कोई गवर्नमेंट योजना के थ्रू, गांव वाले मिलके बना रहे हैं, ये चीज़ नोटिस करना, गांव वाले काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, चाहे दादी माँ ने बोला हो ना हेल्प कर रहे हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट हेल्प करने के लिए आ रहे होंगे या वीडियो देख के आने वाले होंगे, भाई अभी मत आना, कोई आसपास देख लो, काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब होते हैं जो मतलब वीडियो के थ्रू पता नहीं चलता कि इनको ज़रूरत है, बट पहले कन्फर्म कर लेना कि उनको ज़रूरत है भी है या नहीं, पता चले कि बाद में आलसी हैं हमारे मोहल्ले वालों की तरह काम नहीं कर रहे तो चलेगी आप हेल्प करने के लिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब जिसके बंदे के पास ऑप्शन नहीं होना, ऐसे उन छोटे छोटे बच्चों के पास ऑप्शन थोड़ी ना है तभी लोगों ने हेल्प करी है। तो पहले कंफर्म कर लेना नेक्स्ट टाइम, तो अपने आसपास ही ढूंढ लो अगर कोई हेल्प करने के लिए आ रहा है दादी माँ की, क्योंकि भाई वो 99% लोगों से वो थोड़ी बहुत भगवान की दया से अमीर हो चुकी है, ऐसे बोल सकते हैं। 20 लाख रुपया बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पास होता तो अभी तक ये घर बन रहा होता मेरा भी, तो कुछ ऐसा हाल था। तो अभी मेरे पास वो 1,10,000 रुपया बचा हुआ है, वो आप ही के पैसे, आप ही को डिसाइड करना है कि उन पैसों का क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ जिन्होंने मेरे को सेंड कर दिया सारे आपको बारीकी से ढूंढ ढूंढ के वापस सेंड करना शुरू कर दूँ, बट इसके लिए मेरे को 5-6 दिन लग जाएंगे और फिर पूरे भी नहीं होंगे, किसी को जाएंगे किसी को नहीं जाएंगे, आधे अधूरे रह जाएंगे, और दिया हुआ धन वापस थोड़ा लेते हैं। तो मेरे अकाउंट में वो पैसे हैं, कमेंट करके बता देना कि उन पैसों का क्या करना है। आप चाहो तो कोई मैं नेक्स्ट ज़रूरतमंद बंदा जिसको ज़रूरत होगी पहले कन्फर्म कर लेंगे, कोई आलसी तो नहीं है, पता चले कोई आलसी ऐसे बैठा हुआ है तो मेरे को भगवान के नाम पे दे दे तो हम दे भी दें, ऐसा नहीं है। आपको पता है मेरा दिल बड़ी जल्दी पिघल जाता है तो मैं दे भी देता हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपको बता दूंगा। पहले आप कमेंट करके बता देना पैसे आपको वापस चाहिए या किसी नेक्स्ट बंदे की हेल्प करनी है, सही है ना।
और उन संस्था ने मेरे को थैंक यू भी बोला, क्योंकि उन्हीं को आखिरकार मेरी वीडियो के थ्रू ही पता चला था। तो ये दोस्तों सारा हिसाब था, मेरे पास 1,10,000 रुपया बचा हुआ है, तो आप ही को डिसाइड करना है। तो पूरा मैंने हिसाब दे दिया, क्योंकि मेरी मौसी कॉल कर रही थी, भाई अगर तूने एक भी पैसा खर्च करा ना, जहाँ तूने अगर किसी को उधारे भी दिए, मैं तेरे को मार दूंगी। वो पैसे किसी गरीब के, मतलब इकट्ठे करें ऐसे चंदा चंदा, तो वो किसी गरीब की ज़रूरत के हिसाब से लगने चाहिए। तो कुछ ऐसा है दोस्तों, मैं अभी पानी पी लेता हूँ। जे मैं कम से कम 10 टेक ले चुका हूँ, मेरा गला सूख चुका है। इस वाले टेक में मैंने फाइनली पूरा किया यार। बड़ा लंबा वीडियो बनाना हो ना, बड़ा सोचना पड़ता है, कुछ बातें रह जाती हैं। तो फिलहाल इस बार मुझे यकीन है कोई बात रही नहीं होगी। पहले मैंने शूट करा, कोई पीछे से आ जाता है आवाज़ लगाने के लिए, कोई गोबर उठाने के लिए आ जाता है, कोई ना कोई आता रहता है। फिलहाल अभी भगवान की दया से मैंने पूरी कर लिया बात, सही है ना? आयो रब्बा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, कल वाला ब्लॉग देखना। सुबह उठ के मैं वो सारी झाड़ियाँ काटूंगा, झुग्गी बनाएंगे एक नानी और मामी के लिए।